हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी शर्ट की कटिंग। मैं अपने चैनल पर कटिंग की वीडियोस शुरू कर रही हूँ, इसकी पूरी सीरीज लेकर आऊंगी। तो अगर आपको अगर सीखनी है कटिंग अच्छे तरीके से, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी प्रेस कर लेना, उससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस शर्ट का मेजरमेंट है, लेंथ हमारी 45 है और शोल्डर हमारा 13 है, चेस्ट है 36 और बैक 32, हिप्स 36 है, बॉटम है हमारी 24। तो इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखिए, ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। ये चेस्ट है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा 4 पार्ट में डिवाइड होके, ये 18 का आधा 9 हो जाएगा। ऐसे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 8 और ये भी 9 हो जाएगा। इस तरह इन तीनों को 4 से डिवाइड करेंगे और ये शोल्डर जो है इसको करेंगे हम 2 से डिवाइड। 2 का इतना हो गया हमारा 6.5 हो जाएगा और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें मेजरमेंट को, एक बार समझ आ जाएगा तो फिर आप इजीली कोई भी नाप कपड़ा बना सकती हैं बहुत आसानी के साथ। पेपर पर बताऊंगी मैं, इसके लिए मैंने स्केल ये लिया है, ये मेरा ड्राफ्टिंग स्केल है। इससे आपके बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये फोल्ड है, डबल है, ये इसमें से एक पार्ट इधर से आ जाएगा और एक पार्ट आएगा हमारा पीछे वाले में से। तो ये कपड़ा इस तरह होगा, जब कपड़ा लेंगे हम 1 मीटर इस साइड से और 1 मीटर इसके नीचे वाला होगा, इस तरह से 2 मीटर कपड़ा होता है ना, उसको डबल करके फोल्ड कर लेंगे तो वो होगा ये। इसकी सबसे पहले मैं लेंथ नापती हूँ। लेंथ लेंगे हम 45 है, 45 में 3 इंच प्लस कर लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो ये मैंने 48 ली है, यहां से यहां तक ये मेरी 48 आ रही है पूरी। इसको फिर एक बार और फोल्ड करेंगे जब इसके निशान लगाएंगे। 4 पार्ट हो गए ना, 4 से डिवाइड हो गया ये। अब इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं शोल्डर से। शोल्डर लेंगे हम 6.5, 2 से डिवाइड कर लिया था ऐसे। उसके बाद में आप थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर थोड़ा मैं छोड़ रही हूं ऊपर से, 0.5 इंच फोल्डिंग के लिए सिलाई में जाएगा। तो मैं थोड़ा स्केल नीचे करके रख लेती हूँ। हम 3 निशान लगाएंगे इस तरह से, 7 पर 7, दूसरा आएगा हमारा 14 पर और तीसरा आएगा हमारा 21 पर। ये तीनों हमारे 7 के हो गए, बराबर बराबर के। अब इनको इस तरह से सीधे कर लेंगे बिल्कुल। इस तरह 7 के, देखिए तीनों बराबर के हैं। ये थोड़ा सा बस यहां से ऊपर से मैंने मार्जिन लिया है। तो जितना यहां से लेंगे ना, 6.5 लिया था नीचे वाला भी, यहां से यहां तक भी 6.5 ही लेंगे। 6.5 पर यहां पर निशान लगाओ, ऐसे कर लो इसको सीधा यहां तक। अब आते हैं नीचे चेस्ट पर। ये तो हमारा शोल्डर हो गया, अब ये चेस्ट वाला पार्ट है। चेस्ट पर आते हैं, चेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 36 को 9 आएगा हमारा। तो यहां पर निशान लगाएंगे हम 9 पर, और ये चेस्ट है, चेस्ट हो गया, ये बैक है, ये बैक है, बैक है हमारी 8, यहां पर लगाएंगे 8 पर। और ये हिप्स जो थे वो भी हमारे 36 थे, 36 को हमने 4 से डिवाइड किया, हमारा 9 आ गया, ये भी लगाएंगे हम 9 पर, इस तरह से। अब इनको मिला लेते हैं, जो हमने अभी निशान लगाए थे उनको, इस तरह से। अब ये बॉटम नापते हैं हम। बॉटम हमें लेना था इसका 24 का आधा, 12,
यहाँ पर, इसको बॉटम को यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे करके मिला दो। देखिए बन गई कमीज की शेप। अब आते हैं इस पर, शोल्डर पर। इस शोल्डर का जो ये एल शेप बन रही है यहाँ से, इसको ऐसे करके निशान लगा लेंगे बीच में। उसको 1 इंच लेकर राउंड शेप कर लेंगे। ये पीछे वाला मुड्ढा है हमारा। आगे वाले मुड्ढे के निशान थोड़े गहरे होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये 7 था ना, इसको 7 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 3.5 आ गया। यहां से यहां तक 0.5 तो ऐसे मिलाओ, यहां तक लगा लिया। अब इसका और इसका यहां से यहां तक का बीच में निशान लगाओ, इतना ही ऐसे। इस तरीके से कर लो इसको शेप। एक यहां पर है, यहां पर भी 0.5 इंच ऐसे निशान लगा लेते हैं, और उसको ऐसे तीरे के लिए। अब इसके मार्जिन वाला निशान लगाते हैं। टू टू इंच मार्जिन रख लेते हैं, यहां से ऐसे ही निशान लगाते हैं। ऐसे यहां पर सब मार्जिन के निशान है। अब इसी कटिंग करेंगे। कटिंग बाहर वाले निशान पे से करेंगे, अंदर वाले से नहीं करेंगे। इस पर सिलाई होगी हमारी, यहां पर करेंगे कटिंग। जब यहाँ की कटिंग करते हैं तो ये तैयार वाले हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं, अंदाजा करते हैं। जो पीछे वाले मुंडे का निशान था ना, ये इस पे से काटेंगे, मतलब इसके साइड में काटेंगे यहाँ पर, इससे मिलाकर। इसको नहीं छेड़ना अभी हमें, अंदर वाला नहीं काटना, पहले बाहर वाला काटना है। ये कट गया, अब इसको कर दो अलग। ये पीछे वाला हो गया, इसको कुछ नहीं करना। अब ये आगे वाला मुद्दा काटेंगे हम। ऐसे देखिए, इसमें इसमें फर्क है थोड़ा सा। ओपन करके दिखाती हूँ मैं। पीछे का छोटा होता है, अंदर वाला थोड़ा अंदर गहरा बनता है, आगे वाला इस तरह। बहुत आसान है इसी कटिंग, एक बार समझने की देर है। यहाँ पर नेक बना लेते हैं। स्लीव मैंने इसमें नहीं बताई, स्लीव में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, या अगर आप किसी चीज़ की कटिंग सीखना चाहती हैं, तो मुझे या तो मेल कर दें या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। वहाँ मुझसे बात कर सकती हैं, आप बता सकती हैं कि आपको किस चीज़ की कटिंग पूछनी है, मैं वो आपको बता दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।